This session is being recorded, and this is Sir Seema Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on pronoun family. Pronoun family के अंदर सबसे पहला जो फर्द आ रहा है आपके सामने वो है subject pronoun और object pronoun. तो सबको फर्दन फर्दन सबसे मुलाकात करते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं. अच्छा, उन फर्दों से मुलाकात करने से पहले हमें एक और चीज नजर आ रही है, वो है पर्सन. ये पर्सन क्या है, ये सिंगुलर और प्लोरल क्या है, उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पर, फिर डिटरमिनर पर और फिर पजेसिव प्रोनाउन पर. व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्लोरल? आप हैंड रेस कर सकते हैं इफ यू आर विलिंग टू आंसर. I will take your name, then you can answer. Yes, Sumera. What is first person? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, first person जो जो बात कर रहा होता है. जो बात कर रहा होता है वो first person होता है, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं जो बात का Yes, आवाज करता है. मैं पढ़ा रहा हूँ, first person. I am teaching. और बात करने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है. हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग, आगे बचपन की बात. सेकंड पर्सन क्या होता है सना? व्हाट इज सेकंड सर, पर्सन? सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं. सामने अच्छा, वाले जो पर्सन होता है. जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम मुखातिब होते हैं. अ पर्सन टू होम वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं. ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तुम इधर आओ, यू कम हियर. आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज? मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो एक से ज्यादा हो गए. तो जबी गोरा क्या कहता है कि ये जो सेकंड पर्सन है ये सिंगुलर भी है और ये प्लोरल भी है. प्लूरल आगे, भी. ठीक है, इट्स सिंगुलर एंड इट्स प्लोरल, नॉट प्लूरल, प्लूरल, इट्स प्लोरल. थर्ड पर्सन क्या होता है? सर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए. और क्या जानते हो? सर, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो टाइम में. मतलब सर, जरूरी नहीं कि वो पर्सन वहां मौजूद हो. अच्छा, अगर मौजूद है तो थर्ड पर्सन ही होगा. नो सर, फिर वो तो सेकंड पर्सन हो जाएगा ना, अगर कोई सामने है हम उससे बात कर रहे हैं तो. अच्छा, मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके पीछे सुमेरा खड़ी हुई है. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. सर, लिसन. यस सर, डू यू नो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है. यू डू यू नो सुमेरा, शी इज माई स्टूडेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. आप बताइए, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पीछे तो खड़ी है. तो सर, वो थर्ड पर्सन हो गई. हो गई थर्ड पर्सन. ये बचपन में स्कूल में हमें बर्बाद कर दिया है कि थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब हो, जरूरी नहीं है सर, कि हमें वहां तो हो. बताया है आई वी यू के अलावा बाकी जो सारे होंगे वो थर्ड होंगे, जो हमारा बस कॉन्सेप्ट बना रहा है. पहुंच जाओ स्कूल बेटा, डंडे लेकर. बर्बाद कर दिया स्कूल वालों ने हमें. थर्ड पर्सन के बारे में हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ये कहते हैं, सर थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए और वो वहां पर मौजूद ना हो. मुझे मिल जाए आज अपनी मिस है जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो मैं उनसे पूछूंगा, मिस देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बराबर में जो एक और मिस खड़ी है उनके बारे में. तो ये थर्ड पर्सन है या कोई और सी पर्सन है? ये थर्ड पर्सन हाजिर और गायब की कोई कहानी नहीं है बेटा, बस याद रखिए जिसके बारे में बात की जाए, राइट? अब वो हाजिर हो या गायब हो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ये डेफिनेशन का हिस्सा ही नहीं है. थर्ड पर्सन अबाउट होम वी टॉक, अब वो हो या ना हो हमारे सामने, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन. थर्ड पर्सन होता क्या है, जिसके बारे में बात की जाए, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लोरल भी हो सकता है. इट कुड बी सिंगुलर, इट कुड बी प्लोरल. क्लियर? आ गई बात समझ? कोई परेशानी? नो सर. अच्छा, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रही होती है. तो यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी एक नाम है.
ही शी इट या कोई भी एक नाम। अब मुझे बताइएगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सेकंड पर्सन है। योर ब्रदर, योर ब्रदर, थर्ड पर्सन, इसको अक्सर लोग सेकंड पर्सन कंसीडर करते हैं। सर योर आ रहा है ना, तो योर तो होता ही नहीं है। तो भाई आप ये देखिए, मैं आपके भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। योर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, सर हम समझे। जो आप समझते हो कभी होता ही नहीं है ना। योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर चाइल्ड, योर सन, योर डॉटर, योर अंकल, योर आंट, ये सब कौन है। थर्ड पर्सन थर्ड सिंगुलर, पर्सन, सिंगुलर। और अगर ये हो जाए योर चिल्ड्रन अली एंड सारा, योर नेबर्स, प्लूरल, थर्ड पर्सन बड़ा प्लूरल। ठीक है, ये बचपन की बातें। लोग मुझसे सवाल करते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल मैं जीरो से ही पढ़ाता हूँ भाई, इससे पहले कुछ भी नहीं। ठीक है ना, जितनी बेसिक्स मैं पढ़ाता हूँ, जो लोग कहते हैं आप बेसिक्स से पढ़ाते हैं, वो भी इतनी बेसिक्स से नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब आ जाइए सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट कल के सेशन को अटेंड जिसने किया था उसको एक बात का अंदाजा हो गया, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनता नहीं है। वी नेवर मेक अ सेंटेंस, वी कैन नेवर मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। हाँ, ये मुमकिन है कि सब्जेक्ट छुपा हुआ हो, वहां पे भी छुपा हुआ होगा, तो वहां पे भी कौन होगा, वो यू। बट वी ऑलवेज यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब टू मेक अ सेंटेंस। अब सब्जेक्ट जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं, देखिएगा। आई, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हाँ, वी का मतलब होता है हम, अपन लोग हैदराबाद वाले, हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग को स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, वी पीपल, वी पीपल आर गोइंग। नहीं, ये नहीं होता, वी पीपल नहीं होता, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। यू, तुम इधर आओ, यू कम हेयर। तू इधर आ भाई, यू कम हेयर। आप इधर आइए, यू कम हेयर। आप, तुम, तू। अच्छा, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अब आप लोग हो जाए, तुम लोग हो जाए, अपन लोग, यू लोग हो जाए, यू ही आएगा, इसमें पीपल का वर्ड ऐड नहीं होगा। आप लोग परेशान कर रहे हैं मुझे, यू गाइज आर डिस्टर्बिंग मी। नहीं, यू आर डिस्टर्बिंग, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ही वो लड़का, शी वो लड़की। इट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो सकती है। इट कोई जानवर हो सकता है, कोई बेजान चीज हो सकती है। इट्स, डोंट टच इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। डोंट टच, डोंट गो नियर इट, इट्स वेरी डेंजरस। कोई कुत्ता था, डोंट गो नियर इट, इट्स वेरी डेंजरस, इट कीप्स बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स। आ गई बात समझ। इट कोई इंसान भी हो सकता है, आपके दरवाजे पे दस्ता कोई, नॉक नॉक, कौन है भाई। अरे मैं हूँ, कौन है भाई, हु इज इट। जब आपको जेंडर के बारे में नहीं पता होता तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। आपने, आपके पास फोन आया, आप फोन उठाती हैं, क्या बोलती हैं, कौन है, आज के बाद क्या बोलेंगी, हु इज इट, हु इज इट। ठीक है ना, बेगम ने मेरे मोबाइल में एक तस्वीर भेज दी किसी लड़की ने, बेगम क्या पूछेगी, हु इज शी, हु इज शी, लड़के की तस्वीर आई, हु इज ही, फिर फोन आया हो या वॉइस नोट आ गया। वॉइस नोट में पता चलता है ये मेल है या फीमेल है, तो फिर अगर फीमेल आवाज से पता चल जाए, हु इज शी। बट व्हेन यू आर नॉट, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द जेंडर, अब सिर्फ मैसेज आया, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तो हमें ही करना था ऐसा मैसेज भी, बेगम ने पढ़ लिया। अब सवाल क्या होगा, हु इज ही, हु इज शी, हु इज इट, Who is it? Who हु इज is इट, it? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द जेंडर। लेकिन हो सकता है शक की बुनियाद पे वो यही जुमला इस्तेमाल करे, हु इज शी, क्योंकि एक लड़की भेज सकती है मुझे, लड़का तो नहीं भेजेगा, तो आई लव यू। तो वो ये सवाल यू भी आ सकता है, हु इज शी। लेकिन एक फोन कॉल आती है, उसमें कोई बोल नहीं रहा है। अब जब बोल नहीं रहा है तो यू रियली हैव नो आइडिया अबाउट जेंडर, सो अब आप क्या कहेंगे, हु इज
इट, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, आपने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? अरे चाची मैं हूँ। हु इज इट? इट्स मी चाची समीर, इट्स मी, इट्स मी, मैं हूँ। क्लियर? उसके बाद दी जो है वो थर्ड पर्सन प्लोरल। अच्छा अब देखो, दी के बारे में भी मैं आज जो पर्दे हटाऊंगा तो शायद आप लोगों की चीखें निकल जाए, आप कहेंगे नहीं सर ये कैसी बातें कर रहे हैं। दे का मतलब क्या होता है? वो लोग, ऐसे ही याद है ना आप लोगों को, दे का मतलब अली एंड सारा। अली एंड सारा आर माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आप उन अली एंड सारा के लिए आपने क्या इस्तेमाल कर दिया? दे। अच्छा आप गौर से सुनिए साहब, यार वो मेरा, मेरे मोबाइल किधर है? वेयर आर माई मोबाइल्स? अब मैं क्या कहूंगा, अब बेगम जवाब क्या देगी? सुने वो टेबल पर है, वो टेबल पर है, इट्स ऑन द टेबल. इट्स तो है ही नहीं कहीं पर, प्लोरल की बात हो रही है। अब जवाब में आएगा दे आर ऑन द टेबल। अब दे से मुराद वो लोग हैं या वो मोबाइल है? मोबाइल. मोबाइल। आप लोग चीजों के लिए दे का इस्तेमाल करना गुनाह समझते हैं, गलत समझते हैं। कि दे के लिए क्या हो गया सर, मोबाइल के लिए दे का आएगा? अभी आप देखिए, वेयर आर माई शूज, आपके पति ने पूछा वेयर आर माई शूज। आप एक जगह उतारे तो आपको पता हो ना कि कभी आप कहीं उतारते कभी आप कहीं, तो तुम हो ना जगह पे रखने के लिए, बता दो कहाँ है, पहलिया मत बुझाओ। वेयर आर माई शूज? वो दे आर इन द कबर्ड। अब दे से मुराद क्या है? सर, आपने फोन की जब बात की थी तो वो तो सिंगुलर था, मतलब उसके लिए भी हम दे यूज कर रहे हैं. मैंने मोबाइल, दो मोबाइल है बेटा मेरे पास, वैसे तो अच्छा, चार आप है, अगर सिंगल मोबाइल की बात करें तो तो. फिर तो इट आएगा ना। वेयर इज माई सेल फोन? इट इज ऑन द टेबल। वेयर आर माई ओके सर. सेल फोन्स? वेयर आर माई सेल फोन्स? दे आर ऑन द टेबल, दे आर ऑन द टेबल। आ गई बात समझ? यस यस. वेयर आर किड्स? आपने पूछा बच्चे कहाँ है भाई? वेयर आर किड्स? वो छत पर है। दे आर ऑन द रूफ, बच्चों के लिए तो दे आ गया। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ वेयर आर माई कीज, मेरी चाबियां कहाँ है? अब दे आर इन चाबियों, द रूम. दे आर इन द रूम, दे आर इन द ड्रॉज, दे आर आउटसाइड। अब दे आपने क्यों इस्तेमाल किया? आपने दे इस्तेमाल किया थर्ड पर्सन प्लोरल के लिए, लेकिन वो थर्ड पर्सन प्लोरल कोई इंसान नहीं है, दैट्स अ थिंग, ठीक है? जानवर भी हो सकते हैं एक से ज्यादा। आइए थोड़ा सा सब्जेक्ट प्रोनाउन को नीचे स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लोरल। अब मेरी सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन सारी बातें कर दी। अली कॉल्स बी, अली एंड सारा कॉल बी। अच्छा अब देखो एक और गहरी बात, सब्जेक्ट को बदलने से, व्हेन यू चेंज द सब्जेक्ट, समटाइम्स यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, समटाइम्स यू हैव प्लोरल सब्जेक्ट। सो व्हेन यू चेंज द सब्जेक्ट देयर इज अ इफेक्ट ऑन वर्ब। देखिए आपने सब्जेक्ट को चेंज किया, असर किस पे पड़ा? बहुत वर्ब के ऊपर। ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन देखो हमें हर बात सही तरीके से पढ़ाई और समझाई नहीं जाती। गोरा अपनी किताबों में जो लिखता है वो मैं आपको उर्दू तर्जुमा के साथ बता देता हूँ कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की को सिंगुलर और प्लोरल को चेंज करते हैं, अली इज अ सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर, अली एंड सारा थर्ड पर्सन प्लोरल, आपने सब्जेक्ट को चेंज किया तो सब्जेक्ट के बदलने से वर्ब पे असर पड़ता है। यकीन नहीं आ रहा, अगला सेंटेंस देखो, अली इज एट होम, अली एंड सारा आर एट होम। आपने क्या चेंज किया है? सब्जेक्ट सिंगुलर प्लोरल। सब्जेक्ट. नीचे और देखो, डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क।
अब ये शायद बात मेरी जहन में रहे, यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, व्हेन वी आर चेंजिंग द सब्जेक्ट देयर इज अ इफेक्ट ऑन बर्ड। आ गई बात समझ। अच्छा अली कॉल्स मी, अब अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? अली सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? ही। अली एंड सारा सब्जेक्ट तो है लेकिन उनका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? दे समझ रहे मेरी बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, अली इज अ सब्जेक्ट, अली एंड सारा सब्जेक्ट, बट दे आर नॉट सब्जेक्ट प्रोनाउन। और प्रोनाउन की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, एंड वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो हमने ही का इस्तेमाल किसकी जगह पे कर दिया? अली। हमने दे का इस्तेमाल किसकी जगह पे कर दिया? अली एंड सारा। अरे चल रही है ना क्लास वन और टू, क्लास वन और टू की बातें। फिर लोग कहते हैं आप बेसिक से नहीं पढ़ाते। भाई बेसिक ही तो है, और क्या पढ़ाओ इससे पहले? ABCD कायदे पढ़ाना शुरू कर दो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर हेलो। चले अब आप देखिए, डॉग, शायद ये बात बड़ी सुनकर अजीब से लगे आपको, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दीजिए सर, काम ही है उसका। लेकिन अगर डॉग्स हो गया तो अब देखिए आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन चेक करें, दे दे आ गया। समझाया ना मैंने अभी यही बात ऊपर की, जब आप सर। प्लोरल की बात करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इट था, लेकिन जब थर्ड पर्सन प्लोरल हो गया तो आप क्या लगाएंगे? आप दे। सर दे तो वो दे लोग होता है, वो लोग भौंकते हैं। हाँ वो तो वो भी भौंकते हैं, भौंकने तो जैसे आजकल हमारी आवाम को उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बना, यही हालत हुई है बेचारे गरीब लोगों की जो कि इलेक्ट्रिक के बिल लेके सड़कों पे खड़े हुए। दे आर सिंपली बार्किंग, नोबडी इज लिसनिंग टू देम। कोई भी सुनने वाला, कोई सुनेगा भी नहीं, मैं बता सर रहा हूँ। मेरा सवाल है यहाँ पर, मतलब कि पिछली स्लाइड से ही था, मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ। डिटरमाइनर और पोजेसिव प्रोनाउंस अभी में क्या डिफरेंस होता अभी है? आ जस्ट रहे, वहां आ रहे, अभी तो सब्जेक्ट सॉरी प्रोनाउन, सर। अभी तो पहला फर्द उठाया आपने, सब्जेक्ट प्रोनाउन, अभी आएगा ऑब्जेक्ट पे, डिटरमिनर पे, पजेसिव, सब आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा कराची गिव्स 75% रेवेन्यू टू होल पाकिस्तान। अब आप देखिए कराची जगह मैंने क्या लगा दिया? लगा कराची एंड लाहौर अगर हो जाए तो मैं उसी जगह पर क्या लगा दूंगा? दे ठीक है। मोबाइल रिंग्स, मोबाइल की जगह मैंने क्या लगा व्हाइट दिया? इट रिंग्स। इट मोबाइल इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस बट माय इट रिंग्स अ लॉट। आपको जानकर खुशी होगी मेरे पास, आई हैव हैड सेल फोन फॉर 15 और 16 ईयर्स। आई थिंक आई हैव नेवर लिसन टू माई सेल फोन रिंगिंग टोन्स बिकॉज आई हैव बीन लाइक इन हैबिट ऑफ पुटिंग माई मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड। और कभी किसी दिन गलती से अगर ये साइलेंट मोड से हट गया तो पूरे दिन मेरे दिमाग में वो घंटियां बजती रहती, इतनी घंटियां बजती है, टिंग ड्रिंक। दैट्स व्हाई दे कीप ऑन साइलेंट मोड बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई कांट अफोर्ड रिंगिंग सेल फोन्स इन माई क्लासरूम्स। सो एंड इन ऑनलाइन टीचिंग आई हैव टू पुट इट ऑन साइलेंट मोड। कराची एंड लाहौर आर इन पाकिस्तान, तो दे हो गया, मोबाइल एट हो गया। अच्छा देखिए, मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, दिस इज रियलिटी, बाय। मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तो अब मोबाइल्स की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? दे दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अली एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अली और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अली एंड आई आर गुड वी आर फ्रेंड्स। अब अली एंड आई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम एस के एच पे पढ़ते हैं, वी स्टडी एट एस के एच ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा अगर मैं आपको बहुत सारे नाउन लिख कर दूं तो आप उसके सब्जेक्ट प्रोनाउन लिख देंगे? मैंने सारा लिखा तो आप उसकी जगह पर शी लिख देंगे, मैंने लिखा माई डॉटर तो आप उसकी जगह शी लिख देंगे, ऐसा मुमकिन है? यस कर सर, लेंगे ऐसा? यस सर। ये देखिए मैं हर उस बच्चे को फोकस कर रहा हूं जो ये कहता है आई एम जीरो, तो वो जीरो से हीरो बनेगा, ठीक है ना? चलो नाउन के बारे में सब जानते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग,
प्रोनाउन, वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन एंड इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस. जब एक नाउन बार बार आता है तो हमारे जो स्पीच होती है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है या लेंथी हो जाती है समटाइम्स, तो हम फिर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कर रहे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब बड़ी मजेदार चीज आ रही है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इसमें बहुत सारी बातें डिस्कशन के लिए है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन. रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. बचपन की डेफिनेशन हमारी है. इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लोरल. ये भी सिंगुलर और प्लोरल हो सकता है. अच्छा, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जुमले में आने वाली आखिर में हर चीज को हम ऑब्जेक्ट करार दे देते हैं? क्या ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आता है? तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा. हाँ सर, यस सर, जो जुमले के आखिर में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. यही हमें सिखाया है. जो आखिर में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो बीच में आता है वो वर्ब होता है. यानी कि जिंदगी में तीन चीजें, सेंटेंस में तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हमारे नॉलेज के मुताबिक ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है बताइए, ईमानदारी से. सर लास्ट में हम लास्ट में बोलेंगे आता है, ये हमारे कॉमन सर लास्ट में लास्ट में बिल्कुल आता है. आज इस नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है. इस बात को जरा फोकस करें. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब. मैंने ये नहीं, वर्ब के फौरन बाद. अभी हम इसके ऊपर बहुत, हम आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे. अगर आपने आज ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आपको पता है आपने क्या चीज सीख ली बताइए. मैंने कल भी ये जनरल नॉलेज का सवाल पूछा था, पैसिव वॉइस का सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ये चेंज करते चीज हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो पहला काम इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है. जब पैसिव पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम क्या सीखेंगे? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन. और वो तो पता नहीं कब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कहाँ का टॉपिक है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल आखिर में जा करके एक्स्ट्रा क्लास में आता है. लेकिन सर आप तो बेसिक में ये बात समझा रहे हैं, मुझे पता है ना मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कहाँ. मैंने नहीं भी पढ़ाया अगर पैसिव, लेकिन मुझे पता है एक प्रॉब्लम जरूर फंसेगी. वो प्रॉब्लम मैंने यही सॉल्व कर दे दिया आज की क्लास में. देखिए ये एक जो ना, मतलब जिस तरह से आपको मैंने कोर्स आपको डिजाइन करके दिया है ना, आप अगर इस कोर्स को तरीके से अपने पास लिखते रहे, पढ़ते रहे, पूरा एक रोड मैप बनाते रहे, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन लैंग्वेज आइटम्स. आपको लैंग्वेज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है ना, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट के वाले साहब थे जो खुद काफी अरसे से पढ़ाते थे, अब रिटायर्ड हो चुके, घर में है. उन्होंने नोट्स की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा आपने बड़े लॉजिकल नोट्स बनाए. अब मैं भी आपके लेक्चर्स बैठ के सुनता हूँ और मैं बच्ची से यही कहता हूँ इनको सुन लो तो वाकई सीख जाओगी. बहुत सिस्टमेटिक नोट्स आपके पास बने, क्योंकि ये तजर्बे से बने, किसी किताब से नहीं बने, कि यार ये चीज बच्चे को सिखा दो इस स्टेज पर. तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इंशाल्लाह आज आप सीखेंगे और उसके साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे. पहले जरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर बहस करते हैं. आई हैव लॉस्ट माई कीज. अब देखो यहाँ पर कीज और ग्लासेस की लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट है. आई हैव लॉस्ट माई कीज, वेयर आर माई ग्लासेस, हैव यू सीन. आज से पहले तुम लोग इट बोलते थे, आज के बाद क्या बोलोगे? देम Have you seen क्योंकि them? ज्यादा क्योंकि प्लोरल की बात हो रही है. Have you seen them? I can't find them. I haven't seen Sara today. जवाब दीजिए. Have you seen? Have you seen? I haven't seen Sara today. Have you seen? Have you seen her? Have you seen her? Have you seen her? I haven't seen Sabi today. Have you seen? Him. Him. I haven't seen Sara and Sami today. Have you seen them? I haven't seen my laptop today. Have you seen
them by Astaghfirullah. it Have you seen it? I haven't seen my laptops today. have you Laptops. seen laptops them have you seen them Have you seen them? them I haven't seen my son today. Have you seen him him? him Have you seen him? आगे Have बात you समझ seen लीजिए. him? Him. चलिए, ये बात ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मसला हल हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी पेंडिंग में, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन. मैं भी उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जाऊंगा तो फिर और बहुत सारी लेयर्स खुल जाएगी. अब आ जाइए डिटरमिनर पर. सर, डिटरमिनर पहली मरतबा सुना है. इस्तेमाल तो हमने किया है. डिटरमिनर देखिएगा, हमने डिटरमिनर इस्तेमाल तो किया है. माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. लेकिन कसम से मैं कह रहा हूं, ये वाला वर्ड जिंदगी में कभी नहीं बोला होगा. देखिएगा, हर्ज, मान लो मेरी बात, कभी जिंदगी में जबान से नहीं निकला होगा. हर्ज माइंड निकला होगा, माइंड का इस्तेमाल किया होगा. हर्ज का इस्तेमाल नहीं किया होगा. देयर्स, आर्स, इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा. योर्स का भी इस्तेमाल शायद कर लिया हो, माइंड का इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन हमारी जबान पे हर्ज नहीं आया होगा. नहीं आया ना? आज आज से आना शुरू हो गए. अच्छा, किसी ने सिखाया ही नहीं. डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर की लिस्ट अभी आपने ऊपर देखी, नीचे भी आ रही है. डिटरमिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन. वैसे तो देखो, डिटरमिनर आएगा नहीं. अगर डिटरमिनर आता है तो वो किसी नाउन से पहले आता है. ये देखो लिस्ट आ रही है, माई कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, योर कार. ये कार इज अ नाउन, नाउन से पहले आएगा अगर आएगा. सर, ये आता क्यों है? इट डिस्क्राइब्स नाउन और इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. ये हमें नाउन के बारे में बताता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, या नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है. जैसे देयर इज अ कार आउटसाइड, वो बाहर एक गाड़ी है. देयर इज अ कार आउटसाइड, इट्स ओके, इट इज माई कार. अब आपको क्या उस गाड़ी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल गई? इट इज माई कार. देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज हिज कार. इट इज हर कार, इट इज देयर कार. ये उनकी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, ये क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? देयर इज अ कार आउटसाइड, 7690. इज इट योर कार? नो, इट्स नॉट माई कार. इट्स नॉट हिज कार, इट इज हर कार. मे बी इट इज देयर कार. मुमकिन है उनकी, वो पूछ लो जाके असलम और सलीम से, असलम, इज इट योर कार? नहीं, इट्स नॉट माई कार. आ रही है बात समझ? अब इसी जगह सर देखो, लाजमी तो नहीं है ना कि डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन आए। लाजमी है. अगर डिटरमिनर को इस्तेमाल करेगी तो उसके बाद नाउन का ही इस्तेमाल होगा. फॉर्मूला लिख कर दे दिया, डिटरमिनर प्लस नाउन. सर अगेन रिपीट करें। अगर आप डिटरमिनर का इस्तेमाल करती हैं अपने सेंटेंस में, तो आप उसके बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि डिटरमिनर की डेफिनेशन ही यही है, इट डिस्क्राइब्स नाउन और इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. आप कोई सा भी नाउन उठा ले, आई हैव अ सेल फोन, ही हैज अ सेल फोन, देयर इज अ सेल फोन, इट इज हिज सेल फोन, हिज सेल फोन इज वेरी एक्सपेंसिव. आपने सेल फोन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दी, उसको मजीद डिस्क्राइब कर दिया. सर एक्सक्यूज मी सर ये माई इज हर ये तो डिटरमिनर हो गया, तो ये जो इट है तो इसका मतलब यही नाउन हुआ ना कि मतलब ये इससे पहले आ रहा है। दोबारा बोलिए. सर ये डिटरमिनर जो है ये है कि वो नाउन के पहले आता है, जी, यानी कि ये जो तो इसमें फिर नाउन कौन सा हुआ, मतलब सर कार कार है ना, हुआ कार फिर मतलब आपका नाउन है. इसमें। यस सर माय कार, हिज कार, हर हाँ कार, देयर कार, योर कार. कार आपका नाउन है, सर इट क्या है फिर सर, वो तो इट फिर ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन वो हो गया। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन. यस सर ओके अच्छा, अब डिटरमिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन. यानी कि जब आप पजेसिव का इस्तेमाल करेंगे तो बताइए क्या उसमें नाउन इस्तेमाल करेंगे?
डिटर्मिनर प्लस नाउन इज इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन। जब आप पजेसिव का प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर नाउन शामिल हुआ हुआ होता है। अब आपने सेंटेंस लिखा देयर इज अ कार आउटसाइड, अब आप सिर्फ क्या बोल सकते हैं, जब आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप नाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर नाउन का जायका शामिल है। देख लीजिए फॉर्मूला इट्स का, माइन, इट्स माइन। अब आप ये नहीं कह सकते इट इज माइन कार आपने, लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि आपने एक सेंटेंस आगे पीछे कहीं ना कहीं नाउन नाउन का जिक्र कर रहा होता है। देयर इज अ कार आउटसाइड, इट इज माइन, इट इज हिज, ये उसकी है, इट इज हर्स, ये उसकी है, इट इज डियर्स, ये उनकी है भाई। देयर इज अ कार आउटसाइड, ये उनकी है, हाथ मत लगाना काट देंगे हट तुम्हारे। क्या ये आपकी है भाई, भाई साहब, भाई साहब क्या ये आपकी है, इज इट योर्स? आपने कोई मोबाइल फोन उठाया, आपने कहा भाई इज इट योर्स, नो इट्स नॉट माइन, आई थिंक इट इज हर्स, शायद ये उसका है। हाँ सलमा, इज इट योर्स, नो 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 इट्स नॉट माइन, ये शायद वो अंकल खड़े उनसे बोलो उनका है, एक्सक्यूज मी भाई साहब इज इट योर्स, नो इट्स नॉट माई सेल फोन, उन्होंने अब सेल फोन बोला तो माई लगा दिया, नो इट्स नॉट माई सेल फोन, इट्स नॉट माई सेल फोन, इट इज हर्स, इट इज हर्स, शी इज लुकिंग फॉर हर सेल फोन, प्लीज गिव इट टू हर। आ गई बात समझ, इज इट योर्स, नो इट्स नॉट माई, इट इज हर्स, इज इट योर्स, नो नो इट्स नॉट माइन, इट इज हिज, इज इट योर्स, नो इट्स नॉट माइन, इट इज डियर्स, ये उनका है। सर आर बट हाउ ज्यादा बोलने में तो इट्स इट इज हर यूज होता है, मतलब इट इट इज इज हर। हर्स, गलत इस्तेमाल करते हो ना, इट इज हर्स, इट इज हर तो बोल ही नहीं सकते, इट इज हर्स इस्तेमाल ही नहीं करता, हमें पता है ना पाकिस्तानी बच्चे ही, इट इज डियर्स बोलते ही नहीं है जबान, क्योंकि सिखाते ही नहीं है स्कूल लाइफ में। तो अब जैसे लिखा हुआ है आर हाउस इज बेटर देन योर हाउस, क्या मतलब, हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है। आर इज बेटर देन योर्स, घर उड़ा दिया आपने, हमने पजेसिव इस्तेमाल कर दिया। वेल यू ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, आई ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, बट आर्स इज बेटर देन योर्स, माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश। वेल आई हैव बीन स्टार्टिंग इंग्लिश फॉर 5 years, यू हैव बीन स्टार्टिंग इंग्लिश फॉर 2 years, माइन इज बेटर देन योर्स, ओके बी हैप्पी, योर्स इज बेटर देन माइन, आई डोंट माइंड। ऐसी अंग्रेजी हम नहीं बोलते, कम से कम दिमाग में आज कुछ तो गया होगा ना कि माइंड योर्स, सेंटेंस कभी देखा नहीं होगा ऐसा, माइंड इज बेटर देन योर्स, लेकिन आज समझ आ रहा है मेरा तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है। अंग्रेजी घर, क्लियर, गॉट इट? अच्छा भाई, अब जब हम एक चीज देखते हैं इट्स, अगर आपने गौर से देखा हो प्रोनाउन फैमिली में तो आपको कहीं पर इट्स नजर आया हुआ, ये देखें इट्स, ऑपोजिटिव में तो ये होता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जब ये इट्स आता है तो इसका क्लैश हो जाता है, किससे क्लैश हो गया, देखिए जब ये डिटर्मिनर बनकर आ रहे हैं तो उसके बाद नाउन आता है, लेकिन हमारे पास इट्स एक और भी आता है अपोस्ट्रॉफी के साथ, एक अपोस्ट्रॉफी के साथ इट्स और एक बगैर अपोस्ट्रॉफी के, दोनों में क्या फर्क है, देखिए दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, इट इज ये इट इज और इट हैज सर, की इसका शॉर्ट मतलब फॉर्म ये है। होता है कि यह है या इसका, इट्स नहीं मतलब इसका। आसान सी बात है, इसको ज्यादा हम लोग, आई हैव अ सेल फोन, आई हैव अ सेल फोन, यहाँ पर ये इट्स क्या बन गया भाई, डिटर्मिनर डिस्क्राइबिंग नाउन, आई लाइक इट्स कलर, आई लाइक इट्स कलर, इट्स ब्लैक। अब ये जो इट्स ब्लैक है ये स्टेटिव वर्ब है, इट इज ब्लैक, ये स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है, जैसे ये स्टेट वर्ब हो गया ना, इट इज ब्लैक, माय डॉग इज हंग्री, कैन यू गिव इट्स फूड, डिटर्मिनर टू इट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, कैन यू गिव इट्स फूड टू इट, इट्स 4 o'clock, फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, इट्स
It is 4 o'clock. It's been a long time since I saw you. जब थर्ड फॉर्म आती है तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इट हैज. इट्स रेनिंग. इट्स ब्रोकन. इसके दोनों हो सकते हैं. इट इज ब्रोकन भी हो सकता है और इट हैज ब्रोकन भी हो सकता है. बोथ आर करेक्ट. इट्स एक्सपेंसिव. इट हैज मतलब ब्रोकन आसान सी बात थी. कोई परेशानी तो नहीं हुई. इट हैज इज ब्रोकन. इट हैज ब्रोकन. ये टूट गया. ये टूटा हुआ है. ठीक है ना. चलिए आखिरी झटका. एक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मुझे ऑब्जेक्ट बता दीजिए. ही कॉल्ड मी. ऑब्जेक्ट क्या है? मी मी. मी मी आसान था. ही कॉल्ड मी यस्टरडे. अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? यस्टरडे कल की क्लास इसमें में नहीं बताया है था. कल की क्लास में बताया था कि यस्टरडे क्या होता है. एडवर्ब याद करें एडवर्ब यहां पर यस्टरडे क्या है? यस यस्टरडे क्या है? एडवर्ब एडवर्ब. ही कॉल्ड मी यस्टरडे. ही कॉल्ड मी यस्टरडे. और यस्टरडे आपके पास क्या है? यस्टरडे आपके पास एडवर्ब एडवर्ब है. यानी कि सेंटेंस के आखिर में आपके पास हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता. आपके पास एडवर्ब भी आ सकता है. कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आता है. एडवर्ब कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए तो उसको होशियार रहिएगा. वो जरूरी है कि आप उसको यस्टरडे को आप ऑब्जेक्ट बना दें. आज से पहले शायद आपकी नॉलेज इसको ऑब्जेक्ट बना देती, लेकिन आज के बाद नहीं बनाएगी. ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे. अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ मी पक्की बात है. जी सर. क्योंकि यस्टरडे तो देखें सर, अभी आपने याद करा दिया एडवर्ब है. तो फिर ये क्या है? ये कहलाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज. क्या कहलाता है? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज. इन, ऑन, एट लगकर आगे आर्टिकल या और कुछ नाउन आ जाए, जैसे इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, ये फिर आप क्या बना देते हैं? इन द इवनिंग. इनको आप क्या दर्जा? इन द किचन. प्रेपोजिशनल फ्रेज. तो ये क्या बन गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज. ऑब्जेक्ट आपका वही मी है. अब एक सेंटेंस को जब आप देख रहे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. सर ये टाइम एक्सप्रेशन है यस्टरडे, तो ये एडवर्ब है. सर ये इन द मॉर्निंग, ऑन द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, ऑन द रूफ, इन द किचन. अगर ये मैं बहुत सारी आपको एक ऐसे सेंटेंसेस दूं और आपसे मैं कहूं कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये एडवर्ब है, ये जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है. कर लेंगे आइडेंटिफाई. We will try अच्छा. soon. आई ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट इशू. अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो समझ के Me. सोच लो. अब तो थोड़ा आगे पीछे देखो. सर मी है. सर अब हम इम्पोर्टेंट इशू समझ इज चुके हैं ऑब्जेक्ट आपकी है बात. सर. आप हम हमारे साथ खेल लें सर. ऑब्जेक्ट तो मी है, क्योंकि हमें एक बात आपने याद करवा दी है. वर्ब के फौरन बाद हमें क्या मिलने वाला है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब के फौरन बाद क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वर्ब के फौरन बाद मिलता है ऑब्जेक्ट. वर्ब के फौरन बाद अगर सेंटेंस आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो मुझे ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, अगर वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर ये इन द मॉर्निंग क्या है? प्रीपोजिशनल प्रेपोजिशन. फ्रेज एंड प्रेपोजिशन. यस्टरडे क्या है?
एडवर्ब। अब ये क्या आ गई नई चीज टू डिस्कस, एन इम्पोर्टेंट दिस इज इशू। अगेन अब इन्फिनिटिव, नहीं, इम्पोर्टेंट ये एक नई इशू चीज है, इज ऑब्जेक्ट। ये है इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव अभी समझाता हूँ क्या होता है इन्फिनिटिव। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है एन इम्पोर्टेंट इशू। अब यहां पर एक आर्टिकल लगा हुआ है, याद रखिएगा, ए एन और दा से अगर कोई एक दो चार वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हो और एक वर्ड कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे एन इम्पोर्टेंट इशू, तो फिर हम उसको नाम दे देते हैं किस चीज का, नाउन फ्रेज का। अगर प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है इन, ऑन, एट और आर्टिकल और फिर कोई नाउन हो, तो फिर हम क्या इसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। कोई आर्टिकल से स्टार्ट हो तो हम क्या कहते हैं, नॉन फ्रेज। आगे चलिए सर। अब ये इन्फिनिटिव क्या चीज है, आज की आखिरी बात, फिर छुट्टी। और ये आपका फिर आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स खत्म। कल अगले जो अब मेरा नेक्स्ट वीक अगला आपने जो, थोड़ा सा जो पहले बताया था वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आप रिपीट कर सकते हैं? आई नो टाइम खत्म हो रहा है, बट प्लीज कौन सी बात, पहले तो बहुत सर, जो आप सुंदर इन्फिनिटिव और है वो आप ये बता रहे थे इन्फिनिटिव इशू और जेरंड। अब डिस्कस है, बताने जा रहा हूं कि इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव क्या होता है। तो जब इन्फिनिटिव बताऊंगा तो फिर जेरंड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जुड़वा बहन है। कभी भी एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते, जैसे यहाँ कॉल्ड भी आ रहा है और यहाँ पर टू डिस्कस भी आ रहा है। जब दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते तो फिर क्या करते हैं हम, देखिए जरा। आई लाइक टू टीच और आई लाइक टीचिंग, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर आपको दो वर्ब्स एक साथ लगाने हैं तो अगले वर्ब के साथ आपको टू का इजाफा करना पड़ता है। जब वर्ब से पहले टू लग जाता है तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव। आई लाइक टू टीच इंग्लिश। और अगर मैं कह दूं, अगर आपने नहीं सर मुझे टू नहीं लगाना, तो ठीक है फिर आप वर्ब के फॉर्मेट को चेंज कीजिए, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। अब ये जो आपने टीच के साथ वर्ब आई एन जी लगाया, ये बन गया जेरेंड। जेरेंड का एक आसान नाम नाउन। यानी कि हर वर्ब आई एन जी जो है सर, वो वर्ब आई एन जी नहीं होती है, वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन को नहीं शो करती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये जो टीचिंग है ये आपका वर्ब नहीं है, ये क्या है, आपका नाउन। और इसका दूसरा नाम जो असल नाम है सर ने, वो क्या बताया आपको, जेरेंड। जिरंड। अब जरा नाम अपनी जबान से बोल लें, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड, ताकि आपकी जबान पर आए, दिमाग में जाए, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। ये इन्फिनिटिव बुनियादी एंड बातें जिरंड। लोग कहते हैं, ये इन्फिनिटिव और जेरेंड बुनियादी बातों में आता है। हमें पता ही नहीं होता कि दो वर्ब्स एक साथ अगर नहीं आ सकते, अगर नहीं आ सकते तो फिर क्या करें, टू लगाओ, वर्ब आई एन जी लगाओ। अब ये जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, सवाल उठ रहा है, देखना बच्चे का एक सवाल है, सर क्या हर वर्ब अपने साथ टू ले सकता है, यानी कि हर वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, हर वर्ब के बाद हम जेरंड लगा सकते हैं, ये तुम खुद फैसला कर लो। आई वॉन्ट टू गो होम, वॉन्ट के बाद जेरंड आएगा या इन्फिनिटिव आएगा, मेरी जबान समझ आ रही है, वॉन्ट के बाद जेरंड आएगा या इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। हाँ भाई, इन्फिनिटिव मेरी सर। जबान समझ आई आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर, आई वॉन्ट टू गो होम, यस कभी सर, सुना है आपने आई वॉन्ट गोइंग होम, नो सर, आई वॉन्ट नो, टॉकिंग, नहीं सर ऐसा तो आई कभी नहीं वांट टू सुना, टॉक। आई वॉन्ट टू टॉक। इसका मतलब ये है कि वर्ब के अंदर एक ये भी मसला है जी, कल एक और मसला पढ़ा था हमने, वर्ब फैसला करता है मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा या डबल ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये वर्ब फैसला करेगा कि मेरे पास इन्फिनेटिव आएगा या जेरेंड आएगा या दोनों आ सकते हैं। सही है, आई स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM, आई स्टार्ट वर्किंग एट 10 AM। अब आई स्टार्ट टू वर्क सुना है, नो no. आई स्टार्ट वर्किंग, यानी कि कुछ वर्ब्स सर ऐसे भी हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, जो अपने बाद क्या लेते हैं,
हिरण जो अपने बाल सिर्फ और सिर्फ जेरंड लेते हैं, यानी कि सर मतलब इस बात को भी हमें जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है, कौन सा वर्ब अपने बाद जेरंड लेता है। ओहो, मतलब सर ये देखे, अच्छा ये देखो, फिर वही बात कहूंगा, अपने आप को बर्डन सम मत करना, अपनी नॉलेज के अंदर कुछ चीजों को सेव कर लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम लोग कोई नया वर्ब याद करोगे तो कौन कौन सी बातों को याद करते हैं, जब हम कोई नया वर्ब याद करते हैं तो हम एक वर्ब के बारे में पता है क्या क्या चेक कर रहे होते हैं। देखो शायद आज तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा सर, मतलब हम किसी वर्ब को जब चेक करेंगे तो हम क्या चीज चेक करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है या इन ट्रांजिटिव है। सही है ना, कल वाली बात अगर याद हो, हम ये चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इन ट्रांजिटिव है। सर आज के बाद जब हम किसी वर्ब को देखेंगे तो हम इस बात को भी चेक करेंगे कि ये अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है या हिरण जेरंड लेता है। जरंड आई बात समझ, क्लियर हो गई बात। इस तरह से बेटा देखें, यस आपकी नॉलेज में ऐसा ऐसा इजाफा होता हुआ जाता है कि अच्छा मैं अब एक वर्ड को स्टडी करूंगी तो मैं किस चीज कैसे उसको समझूं। अभी आप और आगे बढ़े होंगे तो आपको समझ आएगा। सो सर, कोई लिस्ट वगैरह है आपके पास कि हम याद कर सकें कि कौन सा वर्ब अपने बाद जेरंड लेता है, कौन सा वर्ब जो है वो अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है? बिल्कुल है, एक आपसे अभी नोट्स शेयर करूंगा मैं, आप पहले अच्छे बच्चों की तरह इसको फिलअप करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा लेंगे। शी लव्स अली, यस अब शी लव्स अली की जगह मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, क्या लगाएंगे? शी लव्स सर हिम, नो यस सर दे इनवाइटेड डैश टू द पार्टी। मैं सारा नहीं लिखना चाह रहा, सारा की जगह क्या हर लिखा? हाँ हर हाँ क्या हर ये आप मुख्तलिफ नाम फिलअप कर लेंगे, उसके सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यस प्रोनाउन लगा लेंगे, पकी बात है ना? अच्छा सर अच्छा यस सर उसके बाद फिर अगर ये इन्फिनेटिव और जेनेट की मैंने आपको थोड़ी सी और डिटेल्स दे दी है, मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। देखें, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, वो वर्ब्स जो अपने बाद क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं, इनफिनिटिव वो ये लिस्ट आ गई। ठीक है, या आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया आहिस्ता आहिस्ता। इन नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स डिजाइन किए आपके लिए, ये वो लिस्ट आ गई जो अपने बाद क्या लेते हैं, जीरंड जेरंड जीरंड लेते हैं। तो जेरंड इसको बैठ के आप जेरंड जेरंड लेते हैं। इस वर्ब के बाद आप देखें, ही कंप्लीटेड राइटिंग द एसे, ही डिनाइड स्टीलिंग द नेकलेस, लेट्स डिस्कस गोइंग ऑन अ ट्रिप, दे एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स, फिनिश्ड स्टडिंग फॉर द एग्जाम, आई कांट इमेजिन लिविंग विदाउट माई फैमिली। कहते ना, कीप वॉचिंग स्टार प्लस, स्टार प्लस। ठीक है, तो आप इन वर्ड सारे सेंटेंसेस को जरूर स्टडी कीजिएगा। अच्छा चलो मैं देखती हूँ कि कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद जारी देते हैं। अच्छा अब यहाँ ये सर, जी ये क्या है सर, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव एंड जेरंड, ऐसे वर्ब जो अपने बाद इन्फिनिटिव भी ले सकते हैं और जेरंड भी ले सकते हैं, उसकी भी लिस्ट दे दी मैंने आपको। वाह, हो गया भाई मसला हल। जब आप ये पूरी लिस्ट बैठ के पढ़ ले एक दफा, पढ़ना फर्ज है, उसके बाद फिर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, कर लेंगे। ही एंजॉयज, यस सर डायरेक्ट जाओगे एक्सरसाइज पे सर पकड़ के बैठोगे। पहले क्या करना, सारी एग्जाम्पल्स को रीड करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगले हफ्ते तक सॉल्व कर लेना। जब अगली क्लास में आओ तो यहाँ तक तुम्हारी नोट्स की एक्सरसाइजेस तुमने सॉल्व कर ली, सॉल्व करने के बाद आखिर में अपने आंसर्स को टैली कर लेना। ठीक है, 40 out of 40 इसको सेंड करेंगे ये आपके पास नोट्स आ जाएंगे, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके पास ये वाला सेशन भी आ जा जाएगा। कोई बात समझ ना आई हो दोबारा सुन लीजिएगा, आज का लेक्चर आपको दोबारा सुनना चाहे आप दोबारा भी सुन सकते हैं।
ठीक है, आज के सेशन में आपने क्या पढ़ा? आज के सेशन में आपने सबसे पहले सिंगुलर और प्लोरल को समझा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आपने स्टडी किया, फिर आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन को देखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को देखा, डिटर्मिनर और पजेसिव प्रोनाउन को देखा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छोड़ दीजिए आने वाले वक्तों के लिए, ताकि हम दोबारा प्रोनाउन फैमिली को डिस्कस कर सके। उसके बाद आपने साथ में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइजेस करी, और उसके बाद आपने सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस किया, हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये बात पता चली कि जो सेंटेंस के आखिर में आने वाली चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है, वर्ब के फौरन बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जबकि आखिर में हमने देखा कि हमारे पास एडवर्ब भी आता है। हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी समझा, हमने नाउन फ्रेज को भी देखा, और हमने फिर इन्फिनिटिव और जेरंड को भी समझा। इन्फिनिटिव और जेरंड के अंदर भी ये तीन बातें आज हमें पता चली कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों ले सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कहते हैं भाई हम तो सिर्फ इन्फिनिटिव ही ले सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो सिर्फ अपने बाद जेरंड लेते हैं। और उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर इन तीनों वराइटी की हमारे पास लिस्ट भी आई, और उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज भी आई जिसको हमने सॉल्व किया, और हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स का यहाँ पर इख्तिताम हो गया। सर अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे? अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब के ऊपर डिस्कशन होगी, हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में, हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। अगली क्लास, नेक्स्ट सेशन इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अभी 5 दिन है, आज ट्यूजडे है, आप लोगों के पास 5 दिन है, आप अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। मैं चारों इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फिर भी आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम हो आप उसको बार बार सुने एंड यू फॉलो द असाइनमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये इन 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर से होता गया है यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। जब आप लैंग्वेज को समझते हैं तो फिर गाड़ी आगे चलती है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन टीचर मिस आयशा, शी इज वेटिंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।